नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं कवि रघुवीर सहाय द्वारा लिखी गई कविता जिसका शीर्षक है कैमरे में बंद अपाहिज। यह कविता हर ऐसे व्यक्ति और संगठन की ओर इशारा करती है जो कि दुख दर्द और कष्ट को बेचना चाहता है या उसका व्यावसायिक लाभ लेना चाहता है। इस कविता में कठोर विडंबनाओं को पकड़ने और उसके व्यवसायीकरण को दर्शाया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कविता को समझने की कोशिश करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में दूरदर्शन पर एक शारीरिक विकलांगता के शिकार व्यक्ति का साक्षात्कार लेते हुए पत्रकारों के क्रियाकलाप की संवेदनहीनता को दर्शाते हुए कवि कहता है कि एक पत्रकार के तौर पर हम दूरदर्शन पर बोलते हुए एक कमजोर व्यक्ति को एक बंद कमरे में ले आते हैं। हम उस व्यक्ति से ज्यादा सामर्थ्यवान और शक्तिशाली है, जबकि वह व्यक्ति अपाहिज है। उसके अपाहिजपन का मजाक उड़ाते हुए हम उससे पूछते हैं कि अगर आप अपाहिज हैं तो क्यों अपाहिज हैं? आप अपना दुख बताइए, आपका अपाहिजपन तो आपको दुखी करता होगा। इसके बाद जब अपाहिज व्यक्ति कुछ कहने या रोने की स्थिति में रहता है तो कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहा व्यक्ति टेक्नीशियन को निर्देशित करके उसे कैमरे पर इसे बड़ा बड़ा करके प्रस्तुत करने को कहता है। एक अपाहिज व्यक्ति से उसकी विकलांगता पर प्रश्न करके उसके दुखों के बारे में पूछताछ करने के पीछे का मूल उद्देश्य वास्तव में उस अपाहिज के प्रति सहानुभूति या हमदर्दी को व्यक्त करना नहीं, बल्कि उसके दुख का सार्वजनिक प्रदर्शन करके लोगों की करुणा और दया की भावनाओं को जागृत करके उसका व्यावसायिक लाभ उठाना है। फिर उसी तरह के संवेदनहीन प्रश्नों की श्रृंखला शुरू हो जाती है, जैसे आपको क्या दुख है, आपका दुख कैसा है, जल्दी बताइए। फिर कवि यहां पर व्यंग्यात्मक ढंग से यह इशारा कर देता है कि वह नहीं बता पाएगा। वास्तव में जो दुखी होता है वह जल्दी अपने दुख को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाता, यह एक स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन यहां तो कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता का वास्तविक उद्देश्य अपने कार्यक्रम को व्यावसायिक दृष्टि से सफल और लोकप्रिय बनाना है। जो पहले से ही दुखी है उसे बार बार उसके दुख और अक्षमता की याद दिलाना अत्यंत कष्टदायक और अमानवीय है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि सोचिए और सोचकर बताइए कि अपाहिज होकर आपको कैसा अनुभव होता है। वास्तव में यहाँ कवि ने कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता के घृणित उद्देश्य को स्पष्ट करने की कोशिश की है, जो किसी दुखी, लाचार और शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति से इस प्रश्न को पूछने में निहित है। वह इस दुख को भोग कर कैसा महसूस करता है, यह प्रश्न अमानवीयता की हद पार करने जैसा है। वास्तव में जो दुखी होता है वह तो स्वयं ही इतना जख्मी होता है कि उसका कुछ ना बोल पाना स्वाभाविक है। लेकिन इतना ही नहीं, व्यवसायिक सफलता के लिए उत्सुक कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता संवेदनशीलता को अवलोकन करके स्वयं अपंगता को दिखाने वाले इशारे करके अपाहिज व्यक्ति को किसी भी तरह यह कहने के लिए मजबूर करता है कि वह दुखी है, क्योंकि उसका अंतिम और एकमात्र उद्देश्य अपाहिज व्यक्ति के माध्यम से लोगों के अंदर करुणा और दया की भावना के बारे में पूछताछ करके उसका व्यवसायिक लाभ उठाना और कार्यक्रम को सफल बनाना है। कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति उसके अपाहिजपन को नाटकीय और हास्यास्पद बना देता है। इसके बाद वह दर्शकों को खुद अपने इशारों द्वारा यह बताना चाहता है कि दुख या अक्षमता से पीड़ित होने पर व्यक्ति की स्थिति कैसी हो सकती है। वह अपाहिज व्यक्ति से बार बार प्रश्न करके उसके अपाहिजपन का एहसास कराकर उसे बोलने और रोने पर मजबूर करते हुए कहता है कि अपंगता को दर्शाने और बताने का यह बेहतर मौका है। यहाँ प्रश्नकर्ता का केवल एक उद्देश्य है, किसी भी प्रकार से कार्यक्रम को दर्शकों की नजर में सफल और प्रभावशाली बनाना। कवि यहाँ स्पष्ट करना चाहता है कि यदि टीवी कैमरे के सामने बैठा अपाहिज व्यक्ति अपनी शारीरिक दुर्बलता से परेशान ना हो और उसके मन में कमजोरी का एहसास नहीं हो तो भी कार्यक्रम पेश करने वाले जबरदस्ती उसे इसकी याद दिलाएंगे, क्योंकि जब वह रोएगा और दुखी होगा तभी इसे प्रस्तुतिकरण और कार्यक्रम दोनों की सफलता माना जाएगा। वास्तव में सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम तभी सफल माना जा सकता है जब वह अपनी प्रस्तुति से लोगों की करुणा और सहानुभूति की भावना को जागृत कर दे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि कार्यक्रम का प्रस्तुतकर्ता पर्दे पर फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर दिखाने और अपाहिज व्यक्ति के
होठों की पीड़ा को कह पाने और ना कह पाने के बीच उसके चेहरे पर उभरा असमंजस दुख और बेचैनी को दर्शकों को दिखाने की बात करते हुए दर्शकों से उसे ही अपाहिज व्यक्ति के अपाहिजपन से उत्पन्न वास्तविक पीड़ा मानने के लिए कहता है। उसकी दृष्टि में कार्यक्रम तभी सफल माना जाएगा जब अपाहिज व्यक्ति और दर्शक दोनों की ही मनोदशा एक जैसी हो जाएगी। अपाहिज व्यक्ति अपनी शारीरिक दुर्बलता के गहरे दुख के कारण प्रस्तुतकर्ता के निर्देश पर रो नहीं पाता तो वह उसे पर्दे पर समय की कीमत का एहसास कराता है। जैसे पीड़ा को निर्धारित सीमित समय में व्यक्त कर देना उसके लिए बहुत जरूरी है। कवि के अनुसार टेलीविजन पर वक्त की कीमत के बारे में बताकर और अपाहिज की पीड़ा के बारे में पूछताछ करके उसे रुला देने के पीछे कार्यक्रम के निर्माताओं का केवल एक ही उद्देश्य है, कार्यक्रम की व्यावसायिक सफलता और लोकप्रियता। पीड़ित व्यक्ति की मानसिक अवस्था और संवेदना से उनका कुछ लेना देना नहीं होता। इस तरह सारे सामाजिक नारे और कार्यक्रम व्यावसायिक प्रचार प्रसार में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। एक संवेदनशील समाज के लिए यह अत्यंत खतरनाक और दिल दहलाने वाली स्थिति है, क्योंकि इससे अमानवीय स्थिति उत्पन्न होती है जो कि सभ्य समाज और संवेदनशील मनुष्य दोनों के लिए समान रूप से कष्टदायी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, ऐसे ही कुछ और वीडियोस के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।